उदयपुर में शनिवार की शाम शादी की खुशियां मातम में बदल गई। दूल्हे के घर से तिलक दस्तूर कर लौट रहा परिवार हादसे की चपेट में आ गया। खेरवाड़ा थाना क्षेत्र के चित्तौड़ा में दूल्हे के घर से लौट रहे परिवार से भरी अनियंत्रित जीप पलट गई। इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई तो वहीं दुल्हन के साथ ही एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं। जानकारी मिली है कि हादसे में दुल्हन के हाथ पैर टूट गए हैं और वो गंभीर रूप से घायल हुई है। अब तक मिली जानकारी में सामने आया है कि बावलपाड़ा के पाड़लिया निवासी दुल्हन रेखा पुत्री नगजी आहारी का रिश्ता उखेड़ी गांव में हुआ था, जिसकी 6 जून को शादी होने वाली थी। इसे लेकर शनिवार को दुल्हन पक्ष का परिवार जीप से उखेड़ी दूल्हे के घर तिलक दस्तूर करने गया था। वहीं से वापस आते समय चित्तौड़ा के पास अनियंत्रित जीप पलट गई। हादसे में सुरता पत्नी निष्काम आहारी, बद्री पुत्र अलू आहारी निवासी पाड़लिया की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं दुल्हन रेखा आहारी, एक 4 माह का बच्चा सहित दर्जन भर से अधिक लोग घायल हुए हैं। हादसे की सूचना पर खेरवाड़ा थाना अधिकारी तेज करण सिंह मौके पर पहुंचे हैं और मृतकों के शव को खेरवाड़ा मॉर्चरी में रखवाया। सबसे पहले सभी घायलों को खेरवाड़ा CHC भेजा गया, जहाँ से उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया है।